नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अमृत गोली। देखिए, दिखती तो ये बड़ी छोटे से पैक में है, परंतु ये बड़ा अद्भुत और कमाल का काम करती है। इस गोली पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पुरानी अमृत धारा की याद आई, और अमृत धारा की जगह तो देखिए कोई नहीं ले सकता, पर मैं उस पर भी कभी एक वीडियो आपको बना कर दूंगी। फिलहाल बात करते हैं इस अमृत गोली की। इसे बनाया है ललित फार्मेसी ने, और इसकी कीमत सिर्फ मात्र 25 रुपये है। ठीक है, ये इसमें आपको शायद मेरे ख्याल 30 से 40 गोली मिल जाती हैं। इसका वेट अराउंड 3 ग्राम है, और अगेन मैं देखिए किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने सुनने वाले और सब्सक्राइबर के लिए के स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से ये गोलियाँ आपके सामने लेकर आती हूँ। देखिए, वैसे तो ये आसानी से मिल जाती है, पर अगर ये आपको ना मिले तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से मंगा लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये गोली आपको क्यों लेना है। देखिए, ये गोली काम आती है अजीर्ण, अरुचि, पेट दर्द, अगर मैं इसे साधारण शब्दों में कहूँ तो इनडाइजेशन, यकृत विकार, लीवर के छोटे छोटे डिसऑर्डर जैसे कि लू लग जाना, उल्टी, चक्कर आना आदि, भूख की कमी, पेट में गैस बहुत हो जाए, ये सब इसके गुण हैं। अगर आप ज़्यादा आयुर्वेद को नहीं जानते या आप उसको सुनना इतना पसंद नहीं करते, या आपको लगता है कि बहुत भारी एक आयुर्वेद की एक वो है, तो आप उसकी जगह पर एक हल्की सी गोली पेट दर्द के लिए ले लीजिए, उल्टी के लिए, चक्कर के लिए। बहुत शुरुआती मतलब फर्स्ट एड में ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये सबसे ज़्यादा जो ये लाभकारी मुझे लगी, जो इसका सबसे बढ़िया काम है, वो है नोजिया, यानी कि मछली उल्टी या मतली जिसे हम कहते हैं, उल्टी आने से पहले जो फीलिंग होती है, जिसमें क्या होता है कई बार उल्टी आ भी जाती है पर वो फीलिंग आपकी नहीं जाती है, वो लगातार बनी रहती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मैंने ये देखा और ये पाया कि नोजिया का जो इलाज है वो कभी कभी आपको एलोपैथी में भी नहीं मिलता है। आप एलोपैथी गोली ले लेते हैं पर उससे आपको आराम नहीं आता है, क्योंकि नोजिया को देखिए हम इंग्लिश में नॉर्मली आप इसे मोशन सिकनेस कह लेते हैं। अगर आप सफ़र में हैं, किसी किसी को बस में बैठने से, एसी वाली गाड़ी में बैठने से, या कभी कई बार पहाड़ों पर चढ़ने उतरने से गाड़ी में बैठे बैठे नोजिया की फीलिंग आती है, आपको लगता है उल्टी जैसा लग रहा है, आपका पूरा सफ़र ख़राब हो जाता है, उस समय ये गोली बहुत बहुत काम की है। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और दूसरों को भी जब दी तो उनको बहुत अच्छा इससे लाभ हुआ, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और एक और चीज़, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी गोली है, क्योंकि वो जो नोजिया की फीलिंग है, जो कितना टफ़ सफ़र जो होता है, होता तो बड़ा हसीन सफ़र है पर होता बड़ा टफ़ है, वो जो 9 महीने का पीरियड है उसमें किसी किसी को पूरे पूरे 9 महीने ये तकलीफ़ बनी रहती है, तो अगर आप कोई वैसी गोली ना लेना चाहें तो आप ये अमृत गोली लीजिए, बहुत अच्छी है नोजिया के लिए। ये एक चमत्कार की तरह काम करती है। इसकी आपको केवल 5 या 6 गोली लेनी होती है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ऐसे होम्योपैथी जैसी इसकी गोलियाँ आपको लगती हैं, और बहुत अच्छा ये काम करती है नोजिया में, हर तरह के इनडाइजेशन में। ये देखिए, इस तरह की नॉर्मल गोलियाँ हैं ये, तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं, आप इनको ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये गोली मुझे लगी, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत भारी भारी गोलियों के नाम सुन के डर जाएं, पर ये बड़ी साधारण सी लेकिन बहुत अच्छी गोली है। तो देखिए, ये एक चमत्कार की तरह काम करती है, मैंने आपको बताया। और ये जो मोशन सिकनेस है या नोजिया है, मितली की फीलिंग है, उससे बड़ा त्वरित गति से निपटती है। कई बार क्या होता है, पित्त प्रकृति के लोगों को गाहे बगाहे ये समस्या आ जाती है नोजिया की, और बहुत परेशान करती है, क्योंकि पित्त प्रकृति के साथ सबसे अधिक मुश्किल यही है कि पित्त किसी का ऊर्ध्व गति का है, किसी का नीचे की तरफ है। जिसका ऊर्ध्वांग पित्त है उसके लिए ये फीलिंग बहुत ही खतरनाक होती है। उस समय अगर आप इस गोली का सेवन करें और उसके साथ ही सूत शेखर रस, ये वाला देखिए,
हालांकि मैंने ये पहले इस पर वीडियो बनाया है, आपको आप वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। मैंने उसमें बताया है कि ये वमन में उल्टी में बहुत अच्छा लाभ करती है। तो अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो शुरू में आप नोज़िया को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। ये देखिए इंग्रेडिएंट इसके यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप देख पाएँ तो। इसमें जो डाला गया है वो है कपूर देसी, सत अजवाइन यानी कि अजवाइन का अर्क, सत पुदीना, पुदीने का अर्क, इलायची का तेल, दूध की चीनी, गन्ने की चीनी। तो ये सब चीज़ें इसमें डाली गई हैं। देखिए कपूर देसी आप सभी जानते हैं, हमारे दादी नानी हमें बताया करती थी कि कपूर जो है वो पुराने टाइम से ही पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके बहुत अच्छा है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। सत अजवायन यानी कि अजवायन के सारे गुण इस अर्क में आ जाते हैं और अजवायन हमेशा मंदाग्नि, उदर का शूल यानी कि पेट का दर्द, अजीर्ण, इनडाइजेशन, गुल्म, पेट की गांठ का जो दर्द होता है, आम दोष, अरुचि, वायु तथा कफ के विकार के लिए किया जाता है। वैसे गुल्म के लिए आयुर्वेद की जो सबसे अच्छी दवा है गुल्म काला नल रस, जो मैंने आपको पहले बताया है। इसके बाद है इसमें सत पुदीना यानी कि पुदीने का अर्क। आयुर्वेद में पुदीने को एक सर्वोत्तम वमन नाशक यानी कि उल्टी रोकने वाला माना गया और इसमें जी मिचलाना, उबाक, अजीर्ण, पेट का अफारा, जब पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उदर शूल, पेट का दर्द, मंदाग्नि यानी कि खाना ठीक से ना पचे आदि में पुदीने का जो अर्क है वो एक उत्तम मैं कहूँगी सर्वोत्तम औषधि है और वो इसमें डाली गई है। इसके बाद इसमें जो डाला गया है वो है इलायची का तेल। इलायची आपको पता है बड़ा सुगंधित बहुत अच्छा मसाला है, मुंह में रखो तो दुर्गंध का नाश करता है, पर साथ ही ये पाचन से जुड़ी समस्याओं में बहुत अच्छा काम करता है, अपच में, गैस में, एसिडिटी में, पेट की जलन में बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप इसको दूध में डालकर पी लें तो आपको जो है पेट में अगर गर्मी है तो उसको ठंडक भी पहुंचाता है, साथ ही भूख को भी बढ़ाता है, तो ये उल्टी में भी बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर नोजिया में सिर्फ इसको सूंघ ही लिया जाए तो भी वो फीलिंग चली जाती है, यहाँ तो आपको इन गोलियों में ये डाल कर दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी गोलियाँ हैं ये, तो ये बड़ी फ़ायदेमंद गोलियाँ हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। अब मैंने अगर ये टॉपिक उठाया है तो मैं थोड़ा सा अपने पुराने ढर्रे पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद के अनुसार नोजिया जो है वो एक ऊर्ध्वगामी पित्त है यानी कि ऊपर की ओर आता हुआ पित्त, इसीलिए वो आपको उल्टी की फीलिंग देता है जिसमें खट्टी डकारें भी आपको आ सकती हैं और एक अजीब सी फीलिंग रहती है, डकार कभी नहीं आती। तो आप ये गोली लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आपको उसका एक परमानेंट इलाज चाहिए तो हमेशा की तरह मैंने आपको बताया ये सूत शेखर रस आप खाना खाने के बाद दो गोली लीजिए, क्योंकि ये जो पित्त है वो कई बार हो सकता है सफ़र में आपको ना तंग करे, लेकिन घर में भी कई बार गलत खान पीन से या जैसे अब मौसम आया है कार्तिक का जिसमें पित्त बढ़ जाता है उसमें ये आपको परेशान कर सकता है, तो आप उसके साथ सूतशेखर रस खाना खाने के बाद दो दो गोली लीजिए, आपको बहुत असर करेगा, या मेरी वीडियो देख लीजिए जा करके। तो जब तक आपके सिम्टम ना हो कम से कम इसे 10 दिन लीजिए, तो धीरे धीरे आपका पित्त जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि पित्त प्रकृति वालों के लिए पित्त अगर एक एसेट है तो उसका कुपित होना उनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, तो उसे शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सूतशेखर रस लीजिए और नोजिया की फीलिंग है तो ये अमृत की ये अमृत गोली लीजिए। और पथ्य अपथ्य में हमेशा की तरह खाना जो है सादा खाएं, इच्छा तो बहुत होती है टिक्की गोलगप्पे खाने की जब नोजिया की फीलिंग आती है, लेकिन उसकी जगह पर आप नींबू की शिकंजी लीजिए या सलाद में नींबू डालकर काली मिर्च काला नमक डालकर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। या जो खट्टा मीठा नींबू का अचार होता है उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है नोजिया की या उल्टी की फीलिंग में। तो बड़ा छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन ये
बहुत अच्छी गोली है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। और साथ ही मुझे ये, और हाँ, आंवले का सेवन अवश्य कीजिए अगर आपकी पित्त प्रकृति है, जो मैंने हमेशा आपको अपने वीडियोस में बताया है कि आंवला जो है पित्त को दबा देता है और पित्त का शमन करता है, पित्त जो कुपित पित्त है उसका शमन करता है। छोटे बच्चों में अगर आपको जो ट्रैवलिंग सिकनेस है अगर वो होती है बस या ट्रेन में बैठने से, तो आप दो दो गोली उनको खिला करके फिर बिठाइए, या बड़े लोगों में इसकी छः छः गोली भी आराम से आप ले सकते हैं, उसे चूसिए, आपको बहुत बहुत त्वरित गति से आराम होगा। ये एकदम ऐसे ये करिए कि बुलेट की ट्रेन की तरह की गोली की तरह ये काम करती है। तो आपको मेरी जानकारी ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।